हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम 80 के दशक से एक्टिंग करियर का आगाज करने वाले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर्स और सुपरस्टार एक्टर्स की रियल एज और वो उस वक्त कैसे दिखते थे और आज के समय पर ये एक्टर कैसे दिखते हैं, ये फोटोज भी आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किस साल से किया है, ये डिटेल भी हम आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो की कम्प्लीट डिटेल के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो यार, सबसे पहले जिक्र करते हैं फिल्म एक्टर आलोक नाथ की। तो आलोक नाथ ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1980 से किया है। आलोक नाथ 10 जुलाई 1956 को पैदा हुए हैं और इस साल 10 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 66 साल हो जाएगी। दलीप तहल, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1980 से किया है। दलीप तहल 30 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए हैं और इस साल 30 अक्टूबर 2022 को इनकी रियल एज 70 साल हो जाएगी। गुलशन ग्रोवर, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1980 से किया है। गुलशन ग्रोवर 21 सितंबर 1955 को पैदा हुए हैं और इस साल 21 सितंबर 2022 को इनकी रियल एज 67 साल हो जाएगी। मुकेश खन्ना, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1980 से किया है। मुकेश खन्ना 23 जुलाई 1958 को पैदा हुए हैं और इस साल 23 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 64 साल हो जाएगी। सुधीर पांडे, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1980 से किया है। सुधीर पांडे 22 दिसंबर 1953 को पैदा हुए हैं और इस साल 22 दिसंबर 2022 को इनकी रियल एज 69 साल हो जाएगी। चंकी पांडे, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1981 से किया है। चंकी पांडे 26 सितंबर 1962 को पैदा हुए हैं और इस साल 26 सितंबर 2022 को उनकी रियल एज 60 साल हो जाएगी। कुमार गौरव, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1981 से किया है। कुमार गौरव 11 जुलाई 1956 को पैदा हुए हैं और इस साल 11 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 66 साल हो जाएगी। कुणाल गोस्वामी, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1981 से किया है। कुणाल गोस्वामी 24 नवंबर 1961 को पैदा हुए हैं और इस साल 24 नवंबर 2022 को इनकी रियल एज 61 साल हो जाएगी। पंकज कपूर, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1981 से किया है। पंकज कपूर 29 मई 1954 को पैदा हुए हैं और इस साल 29 मई 2022 को इनकी रियल एज 68 साल हो जाएगी। सलीम गौस, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 1981 से ज्वाइन की है। सलीम गौस 10 जनवरी 1952 को पैदा हुए हैं और इस साल 10 जनवरी 2022 को इनकी रियल एज 70 साल हो जाएगी। संजय दत्त, संजू बाबा ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 1981 से ज्वाइन की है। संजय दत्त 29 जुलाई 1959 को पैदा हुए हैं और इस साल 29 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 63 साल हो जाएगी। आनंद देसाई, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 1982 से ज्वाइन की है। आनंद देसाई 4 मई 1953 को पैदा हुए हैं और इस साल 4 मई 2022 को इनकी रियल एज 69 साल हो जाएगी। जॉनी लीवर, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1982 से किया है। जॉनी लीवर 14 अगस्त 1957 को पैदा हुए हैं और इस साल 14 अगस्त 2022 को इनकी रियल एज 65 साल हो जाएगी। मोहनेश बहल, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1982 से किया है। मोहनेश बहल 14 अगस्त 1961 को पैदा हुए हैं और इस साल 14 अगस्त 2022 को इनकी रियल एज 61 साल हो जाएगी। मुकेश बत्रा, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1982 से किया है। मुकेश बत्रा 1 जुलाई 1951 को पैदा हुए हैं और इस साल 1 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 71 साल हो जाएगी। परेश रावल, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1982 से किया है। परेश रावल 30 मई 1955 को पैदा हुए हैं और इस साल 30 मई 2022 को इनकी रियल एज 67 साल हो जाएगी। अनिल कपूर, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। अनिल कपूर 24 दिसंबर 1956 को पैदा हुए हैं और इस साल 24 दिसंबर 2022 को इनकी रियल एज 66 साल हो जाएगी। अतुल अग्निहोत्री, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज एज अ चाइल्ड एक्टर 1983 से किया है। अतुल अग्निहोत्री 8 जुलाई 1970 को पैदा हुए हैं और इस साल 8 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 52 साल हो जाएगी। हरीश पटेल, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। हरीश पटेल 5 जुलाई 1953 को पैदा हुए हैं और इस साल 5 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 69 साल हो जाएगी। जुगल हंसराज, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से एज अ चाइल्ड एक्टर किया था। जुगल हंसराज 26 जुलाई 1972 को पैदा हुए हैं और इस साल 26 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 50 साल हो जाएगी।
मोहन जोशी, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। मोहन जोशी 4 सितंबर 1945 को पैदा हुए हैं और इस साल 4 सितंबर 2022 को इनकी रियल एज 77 साल हो जाएगी। प्रदीप रावत, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। प्रदीप रावत 21 जनवरी 1952 को पैदा हुए हैं और इस साल 21 जनवरी 2022 को इनकी रियल एज 70 साल हो गई है। प्रोसनजीत चटर्जी, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। प्रोसनजीत चटर्जी 30 सितंबर 1962 को पैदा हुए हैं और इस साल 30 सितंबर 2022 को इनकी रियल एज 60 साल हो जाएगी। पुनीत इसर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। पुनीत इसर 6 नवंबर 1959 को पैदा हुए हैं और इस साल 6 नवंबर 2022 को इनकी रियल एज 63 साल हो जाएगी। सतीश कौशिक, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। सतीश कौशिक 13 अप्रैल 1956 को पैदा हुए हैं और इस साल 13 अप्रैल 2022 को इनकी रियल एज 66 साल हो जाएगी। सनी देओल, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1983 से किया है। सनी देओल 19 अक्टूबर 1956 को पैदा हुए हैं और इस साल 19 अक्टूबर 2022 को इनकी रियल एज 66 साल हो जाएगी। अनुपम खेर, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1984 से किया है। अनुपम खेर 7 मार्च 1955 को पैदा हुए हैं और इस साल 7 मार्च 2022 को इनकी रियल एज 67 साल हो जाएगी। एम के रायना, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1984 से किया है। एम के रायना 10 फरवरी 1948 को पैदा हुए हैं और इस साल 10 फरवरी 2022 को इनकी रियल एज 74 साल हो जाएगी। राजेंद्रनाथ जोशी, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1984 से किया है। राजेंद्रनाथ जोशी 4 फरवरी 1961 को पैदा हुए हैं और इस साल 4 फरवरी 2022 को इनकी रियल एज 61 साल हो गई है। रोनित रॉय, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1984 से किया है। रोनित रॉय 11 अक्टूबर 1965 को पैदा हुए हैं और इस साल 11 अक्टूबर 2022 को इनकी रियल एज 57 साल हो जाएगी। टीकू तलसानिया, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1984 से किया है। टीकू तलसानिया 7 जून 1954 को पैदा हुए हैं और इस साल 7 जून 2022 को इनकी रियल एज 68 साल हो जाएगी। एक्टर विजय, जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1984 से किया है। विजय 22 जून 1974 को पैदा हुए हैं और इस साल 22 जून 2022 को इनकी रियल एज 48 साल हो जाएगी। अजिंक्य देव, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1985 से किया है। अजिंक्य देव 17 जनवरी 1965 को पैदा हुए हैं और इस साल 17 जनवरी 2022 को इनकी रियल एज 57 साल हो गई है। जावेद जाफरी, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1985 से किया है। जावेद जाफरी 4 दिसंबर 1963 को पैदा हुए हैं और इस साल 4 दिसंबर 2022 को इनकी रियल एज 59 साल हो गई है। रघुवीर यादव, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1985 से किया है। रघुवीर यादव 25 जून 1957 को पैदा हुए हैं और इस साल 25 जून 2022 को इनकी रियल एज 65 साल हो जाएगी। राजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1985 से किया है। राजेंद्र गुप्ता 17 अक्टूबर 1947 को पैदा हुए हैं और इस साल 17 अक्टूबर 2022 को इनकी रियल एज 75 साल हो जाएगी। ऋषभ शुक्ला, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1985 से किया है। ऋषभ शुक्ला 20 अगस्त 1942 को पैदा हुए हैं और इस साल 20 अगस्त 2022 को इनकी रियल एज 80 साल हो जाएगी। आदिल हुसैन, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1986 से किया है। आदिल हुसैन 1963 को पैदा हुए हैं और इस साल 2022 में इनकी रियल एज 59 साल हो जाएगी। आदित्य पंचोली, जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1986 से किया है। आदित्य पंचोली 4 जनवरी 1965 को पैदा हुए हैं और इस साल 4 जनवरी 2022 को इनकी रियल एज 57 साल हो गई है। आशीष विद्यार्थी, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1986 से किया है। आशीष विद्यार्थी 19 जून 1962 को पैदा हुए हैं और इस साल 19 जून 2022 को इनकी रियल एज 60 साल हो जाएगी। फिल्म एक्टर गोविंदा, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1986 से किया है। गोविंदा 21 दिसंबर 1963 को पैदा हुए हैं और इस साल 21 दिसंबर 2022 को इनकी रियल एज 59 साल हो जाएगी। नागार्जुना, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1986 से किया है। नागार्जुना 29 अगस्त 1959 को पैदा हुए हैं और इस साल 29 अगस्त 2022 को इनकी रियल एज 63 साल हो जाएगी। पीयूष मिश्रा, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1986 से किया है। पीयूष मिश्रा 13 जनवरी 1963 को पैदा हुए हैं और इस साल 13 जनवरी 2022 को इनकी रियल एज 59 साल हो गई है। प्रभु देवा, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1986 से किया है। प्रभु देवा 4 अप्रैल 1973 को पैदा हुए हैं और इस साल 4 अप्रैल 2022 को इनकी रियल एज 49 साल हो जाएगी।
आरिफ जकरिया जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1987 से किया है। आरिफ जकरिया 11 नवंबर 1966 को पैदा हुए हैं और इस साल 11 नवंबर 2022 को इनकी रियल एज 56 साल हो जाएगी। कुणाल खेमो जिन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1987 से किया है। कुणाल खेमो 25 मई 1983 को पैदा हुए हैं और इस साल 25 मई 2022 को इनकी रियल एज 39 साल हो जाएगी। फिल्म एक्टर नसर जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1987 से किया है। नसर 5 मार्च 1958 को पैदा हुए हैं और इस साल 5 मार्च 2022 को इनकी रियल एज 64 साल हो जाएगी। नील नितिन मुकेश जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज एज अ चाइल्ड एक्टर 1987 से किया है। नील नितिन मुकेश 15 जनवरी 1982 को पैदा हुए हैं और इस साल 15 जनवरी 2022 को इनकी रियल एज 40 साल हो गई है। सुपरस्टार एक्टर आमिर खान ने एक्टिंग करियर का आगाज 1988 से किया है। आमिर खान 14 मार्च 1965 को पैदा हुए हैं और इस साल 14 मार्च 2022 को इनकी रियल एज 57 साल हो जाएगी। आसिफ शेख जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1988 से किया है। आसिफ शेख 11 नवंबर 1964 को पैदा हुए हैं और इस साल 11 नवंबर 2022 को इनकी रियल एज 58 साल हो जाएगी। मनोज बाजपेयी जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1988 से किया है। मनोज बाजपेयी 23 अप्रैल 1969 को पैदा हुए हैं और इस साल 23 अप्रैल 2022 को इनकी रियल एज 53 साल हो जाएगी। मुकेश ऋषि जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज 1988 से किया है। मुकेश ऋषि 19 अप्रैल 1956 को पैदा हुए हैं और इस साल 19 अप्रैल 2022 को इनकी रियल एज 66 साल हो जाएगी। नितेश भारद्वाज जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1988 से किया है। नितेश भारद्वाज 2 जून 1963 को पैदा हुए हैं और इस साल 2 जून 2022 को इनकी रियल एज 59 साल हो जाएगी। सुपरस्टार एक्टर सलमान खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान सलमान खान ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1988 से किया है। सलमान खान 27 दिसंबर 1965 को पैदा हुए हैं और इस साल 27 दिसंबर 2022 को इनकी रियल एज 57 साल हो जाएगी। सुदीश बेरे जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1988 से किया है। सुदीश बेरे 20 जुलाई 1960 को पैदा हुए हैं और इस साल 20 जुलाई 2022 को इनकी रियल एज 62 साल हो जाएगी। दिलीप जोशी जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1989 से किया है। दिलीप जोशी 26 मई 1968 को पैदा हुए हैं और इस साल 26 मई 2022 को इनकी रियल एज 54 साल हो जाएगी। तो और ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 80 के दशक से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने वाले एक्टर्स की रियल एज और देन एंड नाउ की पिक्चर आप व्यूअर्स के साथ शेयर की। 80 के दशक से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से करियर का आगाज करने वाले इन सुपरस्टार एक्टर्स में आपके फेवरेट एक्टर कौन कौन से हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्टर्स का नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड ऐसा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप ही को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।